कितनी शानदार तरीके से ये नाव सजी हुई देखिए। हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे मिनी व्लॉग में। तो यहाँ पर आरती हो रही है नर्मदा जी के तट पर आरती हो रही है, यानी चित्रकूट में, हम अभी चित्रकूट में आरती हो रही है नर्मदा जी की। तो देखिए ना, नाव कितनी शानदार सजी हुई है। ये सारी नाव जहाँ पे आरती हो रही है ना, वहाँ पर आगे पानी में रुकी हुई है। ये देखिए, यहाँ पर सारे पुजारी जी हैं जो आरती करेंगे अभी नर्मदा जी की, और वो जो नाव सजी हुई है वो अंदर की ओर सब उनके सामने मुख खड़ा करके खड़ी, पूरी नाव खड़ी करके रखी। बहुत ही गजब का व्यू, ये देखिए उधर से दिख रही है, बहुत ही गजब का व्यू आ रहा है। ये देखिए, बहुत ही शानदार, और नसीब वालों को ही उधर रुकने का मौका मिलता है। वैसे तो रुकते ही हैं, लेकिन आरती सिर्फ नसीब वाले ही लेते हैं। चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तो वहाँ पर जो वो ही ले सकते हैं आरती। तो मैं तो समझती हूँ, मैं बहुत ही नसीब वाले भाग्यशाली थी, तो मैंने वहाँ पर चित्रकूट पर आरती ली माता नर्मदा जी की। और देखिए ना, हम सब वहाँ पर गए थे कि भाई हमारा रुकने का कोई प्रोग्राम ही नहीं था, हम तो निकलने वाले थे, लेकिन उधर रुक गए और आरती हमें करने को मिली, माता की आरती मिली हमें। तो हम लोग वहाँ रुके और आरती ली, ये देखिए। और आप भी भगवान के दर्शन कर लीजिए, माता नर्मदा जी के दर्शन कर लीजिए, माता नर्मदा जी की आरती ले लीजिए, और माता नर्मदा आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी करे, ऐसी हम भी प्रार्थना करते हैं, आप भी कीजिए। और देखिए, आरती का समय था तो हम वहाँ रुके, हमें बहुत आनंद आया। और मुझे आरती में जितना आनंद आता है रुकना, मुझे आरती में रुकना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत आनंद आता है। जय श्री कृष्ण।